जो किसान भाई नए सिरे से जैविक खेती शुरू कर रहे हैं या जो अपने रासायनिक खेती से जैविक में आ रहे हैं, उनको कुछ मूलभूत सिद्धांतों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सिर्फ हम कहीं कोई वीडियो देख के या कहीं कोई क्लास अटेंड करके और ये सोच लें कि भाई एक तो कुछ कुछ कीट नियंत्रक बनते हैं या कुछ खाद बनती हैं जिनसे जैविक खेती हो जाती है और रसायन नहीं डालते हैं, ऐसा नहीं है। जैविक खेती एक बहुत विस्तृत चीज़ है और इसमें वो सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है जिससे हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था बने जिसमें हम कम से कम उत्पादनों का प्रयोग करें और व्यवस्था अपने आप बन जाए ताकि हमें उत्पादन लगातार और टिकाऊ रूप से मिलता रहे। उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है, वो है बीज की मात्रा, बीज की क्वालिटी और बीज की सही दूरी। तो बीज की गुणवत्ता एक अलग चीज़ है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो आज बताने जा रहा हूँ कि बीज की सही मात्रा और दूरी कितना बड़ा काम करती है जैविक खेती के लिए, सफलता के लिए, वो इसमें मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। और यही कारण है, ये एक बीज की ज़्यादा मात्रा और उससे फिर जुड़े हुए उर्वरक और कीटनाशक से ज़्यादा के ज़्यादा उपयोग से क्यों रासायनिक खेती दिनों दिन जो है वो कंगाली की ओर ले जा रही है किसान को, ये सब चीज़ें मैं इसमें बताने की कोशिश करूँगा। जैविक खेती और रासायनिक खेती की मूल धारणा में भी बहुत बड़ा अंतर है। इसमें तकनीकों का ही अंतर नहीं है कि सिर्फ रासायनिक खेती में हम रसायन देते हैं और जैविक खेती में हम जो है वो रसायन नहीं देते हैं, अन्य गोबर की खाद वगैरह देते हैं। तो जो मूलभूत अंतर है वो शुरुआत होती है हमारी बीज से। पहली बात तो बीज जैविक होता है या जैविक स्थितियों में उगाया हुआ होता है, वो एक बड़ी चीज़ है। उसके बाद जो दूसरी बात आती है वो है बीज का मात्रा और उसकी दूरी। ये बहुत बड़ा एक कारक है जो यदि रासायनिक खेती के ही अनुसार यदि जैविक खेती में अपनाया जाता है तो जैविक खेती को असफल होने में बहुत जल्दी कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसका आपको मूलभूत कुछ कारण बता रहा हूँ। और इसके साथ आपको जो तीन जगह आपकी जो आर्थिक नुकसान होता है बीज में और उर्वरक में और फिर कीटनाशक में, वो आपको जितना रासायनिक खेती में होता है वो भी बच जाता है। तो अब आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि यदि हम बीज की मात्रा ज़्यादा रखते हैं तो बीज की मात्रा ज़्यादा क्यों बताई गई? ताकि जो बीज बनाने वाले हैं उनका बीज ज़्यादा बिके, जो हाइब्रिड बीज हैं या और कोई बीज हैं वो ज़्यादा बिके। पहली बात तो ये थी। तो जब बीज ज़्यादा डलवाया गया तो बीज ज़्यादा डालने से ये बताया गया कि भाई इससे खरपतवार कम उगेंगे, आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। जबकि ऐसा नहीं होता है, आप बीज ज़्यादा डालेंगे तो एक तो सूरज की रोशनी जो है वो आपके नीचे तक नहीं पहुंचती है और आप देख रहे हैं कि अंधेरा होता है नीचे की स्थिति में और वहां पर कीट रोग बहुत पनपते हैं और जो निचली पत्तियां होती हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता है। जबकि आप जब जैविक खेती में इसको अपनाते हैं, और जैविक खेती का एक रूल है कि आप ऐसी व्यवस्था करें ताकि उसमें आपको बाहर से कम चीजें देनी पड़े। तो ये भी एक बीज की मात्रा और बीज की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी भी एक बहुत बड़ा कारण है जैविक को सफल करने का। तो इसलिए जैविक खेती में कभी भी पास पास बीज ना बोएं, उससे आपकी बीज की भी बचत होगी। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि सूर्य की रोशनी जो है वो लास्ट तक पहुंच रही है तो पौधे जो है अपना खाना अच्छा बना पा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं इसमें। तो लास्ट जो आखिरी जो पत्ती है वहां तक प्रकाश संश्लेषण होता है और रोग कीट जो है वो बहुत कम होते हैं। तो ये भी एक जैविक खेती के प्रबंधन का एक तरीका है। अब दूसरी बात पे आते हैं, ये तो हो गया कि बीज कैसे कम होगा हमारा। उसके बाद आता है कि रासायनिक खेती, जब बीज आपने पास पास बो दिया तो जड़ें पास पास होंगी, तो यदि भूमि में जल और पोषक तत्वों की कमी ना भी होगी तो भी आपको ऐसा लगेगा कि कोई पोषक तत्व की कमी हो गई है,
नाइट्रोजन की कमी हो गई फास्फोरस की, क्योंकि वो जड़ें आपस में लड़ रही हैं पोषक तत्वों के लिए और पानी के लिए, यदि पास पास बोया हुआ है तो ये जो चीज है उसको फिर आप उसके लिए आप भागेंगे बाजार के, साहब हम फलाना उर्वरक हम लेके आए या उसके वो पोषक तत्व की कमी हो रही है, जबकि भूमि में उतनी कमी नहीं थी। भूमि में कमी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन उतनी कमी नहीं थी जितनी ज्यादा बीज डालने से आपकी हो गई। ये चीज बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। आप देखिए जड़ें सब आपस में दूर दूर हैं, सब अपने पोषक तत्व ले रही हैं, तो यदि कमी होगी, वास्तविक कमी होगी, तभी आपको पौधों में वो कमी दिखेगी। ये एक बहुत बड़ा कारक है। आप जब जैविक खेती करेंगे तो इस चीज पे बहुत ध्यान दीजिए। पहला बीज, बीज की मात्रा और दूरी, इससे आपको कितने सारे असर हो रहे हैं। अब तीसरी चीज पे आते हैं। तीसरी चीज ये है कि यदि सूर्य की रोशनी ढंग से नहीं पहुंच रही है यहाँ पे, और जो हवा है वो भी ऊपर ऊपर से चली जा रही है, अंदर पौधों के बीच में नहीं आ रही है, जबकि जैविक खेती में आप देखिए सूर्य की रोशनी नीचे तक आ रही है और जो हवा है वो भी आपके पौधों के बीच बीच में सब जगह जा रही है, तो इससे एक तो प्रकाश संश्लेषण अच्छा हो रहा है, दूसरा रोग कीट बहुत कम हो जाते हैं। जो जैविक खेती में जो है वो रोग कीट बहुत कम लगते हैं। तो हमारा जो जैविक खेती का एक सिद्धांत ये है कि हम इस तरह की व्यवस्था करें कि रोग कीट पैदा ही कम हो, उनके उपचार करने का हमें जरूरत ही ना पड़े, इस तरह की व्यवस्था करें। तो रासायनिक खेती में इसको सोच समझ के बीज की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है, ताकि आपकी हवा जो है वो नीचे तक ना पहुँचे, सूर्य की किरण नीचे तक ना पहुँचे पौधों में, और वहाँ पर रोग कीट पनपने लगें और धीरे धीरे पूरे पौधों में फैल जाएं और आपको रोग कीटनाशक का काम उपयोग करना पड़े। ये बहुत छोटा सा कारक है जिसको किसान भाई जो हैं वो इसलिए करते हैं कि भाई हमारे खरपतवार नहीं होगी। गेहूं में लगभग जो हम हेक्टेयर में 80 किलो की हम हमारी जो संस्तुति है या रिकमेंडेशन है उसकी बजाय 125 किलो तक गेहूं डालते हैं एक हेक्टेयर में। और इसी तरह से अन्य फसलों में भी होता है कि हम इतनी ज़्यादा फसल बो दें तो उससे ज़्यादा लाभ नहीं होता है। ये किसान भाई खुद करके देखिए, अभी जैसे सरसों की फसल आएगी रबी में, गेहूं की फसल आएगी, तो उस सरसों की फसल में जितनी दूरी एक उपयुक्त दूरी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं, तो आपकी शाखाएं ज़्यादा होंगी और फलियां ज़्यादा लगेंगी। इसी तरह से गेहूं में अगर आप कर रहे हैं रासायनिक जैविक खेती, तो अगर आप दूर दूर आपको एक 30 सेंटीमीटर या एक फुट पर अगर बुवाई कर रहे हैं हम, तो उसमें आपको जो कल्ले फूटना है या बालियां बनने की संख्या है एक पौधे से वो बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए ऐसा कभी नहीं होता है कि यदि आप उपयुक्त दूरी पर बोएंगे तो आपकी फसल में कोई कमी हो जाएगी, वरन आपको ये जो तीन आपके जो नुकसान हो रहे हैं, बीज का खर्चा और उर्वरक का खर्चा और तीसरा आपका कीट रोग कीटनाशक का खर्चा, ये जो रासायनिक खेती में होता है आपके, सिर्फ इस बीज की अधिक मात्रा और थोड़ी दूरी के कारण, उसको हम जैविक खेती में बड़े आसानी से बचा सकते हैं। और यूँ कहिए कि ये तीन ठग से आप बच जाते हैं। और इसके बाद यदि ऐसा लगता है हमें कि भाई हमें बीज की मात्रा कभी कभी ज़्यादा भी डालनी पड़ती है, उसके दो ही कारण होते हैं, या तो आप समय से पूर्व या समय से लेट बुवाई कर रहे हैं, या आपकी ज़मीन कोई ज़्यादा अम्लीय या क्षारीय है जिसमें कि अंकुरण परसेंटेज कम हो जाता है, अंकुरण प्रतिशत कम होता है, इसलिए कभी कभी बीज ज़्यादा डालना पड़ता है, तो वो एक असामान्य स्थिति होती है। सामान्य स्थिति में आप बीज की मात्रा बिल्कुल सही रहें। और दूसरी चीज़ जो है वो जितना भी संभव हो पंक्तियों में बुवाई करें, ताकि आपकी जो खरपतवार नियंत्रण की व्यवस्था है वो भी कंट्रोल हो जाए। अक्सर ये होता है कि जब खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं तो हम छिड़काव विधि से बो देते हैं, क्योंकि ये पता है कि हमें उसमें खरपतवार निदान तो करना नहीं है, लेकिन उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है उस फसल में और अगली फसल में, अगली फसल में ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये चीज़ें अगर यदि आप देखेंगे कि बीज की सही मात्रा और बीज की सही दूरी, लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी यदि हम व्यवस्थित कर लें अपनी जैविक खेती में, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, अच्छा पैदावार मिलेगी
और आपकी बहुत बड़ी आर्थिक हानि होने से रुक जाएगी। अंत में इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हम जैविक खेती को पहले अच्छी तरह समझें, जैविक खेती में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैविक खेती से बहुत पैसा मिलता है या जैविक खेती से एकदम कुछ खेती में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप जैविक खेती के सभी सिद्धांतों का पूर्ण रूप से अपनी खेती में उपयोग नहीं करेंगे, जैविक खेती की सफलता उतनी ज़्यादा निश्चित नहीं हो पाएगी। और यही कारण है कि कुछ किसान भाई थोड़े दिनों बाद उसको छोड़ देते हैं, जबकि यदि जैविक खेती लगातार अच्छे तरीके से की जाए, अपने अनुभव बढ़ाते हुए की जाए और जो इसके मूलभूत सिद्धांत हैं उनको प्रयोग करते हुए की जाए, जिसमें बीज की सही मात्रा और दूरी सबसे बड़ी चीज़ है, तो निश्चित रूप से जैविक खेती से उपज भी अच्छी मिलती है और साथ ही क्योंकि आपका जो आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है।